रेडी हूँ मैं बाल वाले और हम लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेट ना हो रहे हैं चल रहे हैं बस भैया को देखते हैं तो कैसा लगा सिंपल सा है जैसे कि आप लोगों को पता है तैयार होने के बाद लेडीज़ का कुछ ना कुछ सामान इधर उधर होता ही है, तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी अपने रूम में। जो भी सामान मैंने फैलाया था इधर उधर या मुक्कू ने, उसको सबको अपनी जगह पे मतलब मैं रख रही थी। अकेले जा रहे होंगे नहीं वो कौन वो बच्चा है तो मामा के लड़का होगा तुमने लव वगैरह करने के बाद यहाँ चल रहा था हमारा फोटो सेशन। में अपनी देवरानी के साथ फोटो खिंचा रही थी। भाई पूजा करके वापस घर की तरफ और ये बैठा है हार्दिक साइड बुबू के साथ और ये रही मेरी लड्डू रानी। बाकी चाची तो अंदर जा लिए पूज के ना। भाई यहाँ पर पूजा वगैरह करने करते हैं जब जो अपने घर से पानी लेके आते हैं और जिससे हम माता को नहलाते हैं और होली पूजते हैं, तो उसी में से थोड़ा पानी बचा लेते हैं और अपने घर के जो कोड़े हैं वो सिलाते हैं। तो भाई क्या आप लोगों में भी होता है तो ये बताना, हमारे में ये सब होता है। मखाने खा लो आप भी, बनवासी का बरत है भाई होली के साथ साथ। बाप भक्ति दो मेरी चीड़ निकाल निकालना जी, क्या चीड़ अभी जो कर रहे थे तेरी की चीड़ काट रही है और ना खुद तो समोसे खा के बैठ गए। मैं मखाना भी ना खाऊं तन्ने के ना खाए मैं भरती हूँ फिर पर तेरा नहीं मन ना कहीं थी मेरी मर्जी है तो तेरी मर्जी है तू सोचा है ना कि मैं अच्छा कम मिल था तो बात तेरा जी कर रहा है इसका मतलब क्या ना सोचा ना ना मैं कम खाऊँ अब क्या है क्या खा जाए तो हाँ चाय में बढ़िया मजा आ रहा है चाय पी रहूँ भाई मग्गा बर्गर देख लो और पूजो मखाना की बाट में देखो दो तीन तक खा लिए दिखाऊँ आपको ले 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 इसने गैल खाना है अरे अपने हाथ फिर मैंने भी खवा देगा ये हाथ मैं खा लूँ ना मैं न्यू कंफ्यूज हो जाऊँगी। और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं भाई कॉटन का सूट पहन लिया अपना कलर भी थोड़ा सा डार्क। और यहाँ पे भाई मैं बालकनी में खड़े होकर ये रिकॉर्ड कर रही थी। बच्चे थे भाई जो होली खेल रहे थे, ये ऑफिस वगैरह से निकले थे, तो आप लोगों को पता है जो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो छुट्टी होती है, तो भाई उस टाइम पे वो सब होली वोली खेल के जाते हैं। तो एक ग्रुप इधर खड़ा था, एक ग्रुप ये आगे खड़ा हुआ था, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स सब एक दूसरे को रंग से भर रहे थे भाई खूब। और ये फोटो सेशन भी हो रहा था साथ के साथ।
भाई यहाँ पे हो गया था चाय का टाइम, और चाय के चाय मैं बना रही थी, साथ में आए थे भाई उषा दीदी, नोनू और चाची भी आए हुए थे, तो इन सब के लिए भी और मैं अपने लिए भी चाय बना रही थी दोबारा से। सब लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे और अपना त्यौहार जो है भाई वो इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। बाय बाय मामू, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय मामू। बाय दी, बाय। ठीक है सर, मुझे दिखाइए अपनी होली। उषा दी अर के जाने के बाद भाई यही किया था, सबसे पहले तो बर्तन साफ किए, बर्तन बहुत सारे वो रखे थे, उसके बाद दाल में छौंक लगाया, सब कुछ वो कर करा के, उसके बाद दूध का काम किया, आटा गूंदा हुआ रखा, अगर पूजो की जैसे रोटी बनेगी या कोई सहका दी होगा तो, और चावल बन गए, दाल बन गई। तो होली का जो खाना है हमारा वो है तैयार। पहले सलाह कुछ और बनाने की थी, फिर बना कुछ और क्योंकि लेट हो गए, और बर्थ था भाई पड़ोसी भी आज, तो सर में दर्द हो गया था पूरा दिन, रेस्ट वगैरह भी नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया। तो अब खाएंगे अपना खाना, और आप लोगों ने होली पे क्या बनाया है, क्या बनता है आप में वो ज़रूर बताना। हमारे में दाल चावल और ये सैनिक ज़रूर दी जाती है भाई, तो ये बनाया और घी बुरा के साथ खाए जाएंगे। मेरी मुँह को लस्सी बनाने में पूरी पूरी हेल्प करती हुई भाई मेरी। भाई ये क्लिप नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट डे सुबह मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, और आलू का मतलब घोल वगैरह सब तैयार कर लिया था, और छौंक लगा रही थी। इधर विनोद जी, माँ जी वगैरह सब बैठे हुए थे, और मैं अपने अपने किचन का जो है भाई वो काम कर रही थी। अभी मोटो क्या बना रही तू? पूरी बना दी पूरी। इधर क्या है? इधर नीतू मैडम है। अच्छा ठीक है भाई, मैडम तो सही। हेलो भाई, पूरी खा पेट दिया हमने, दे रहा था आलू की सब्जी। क्या गिरा के? हरे धनिया की ना, बस बढ़िया बन रही थी जबरदस्त। चलो फिर बना दिए, कद दिन में धनिया डाल के ना मुक्कू, फिर डाल दिन बना देगा। रायता किसने बनाया? मुक्कू ने। अच्छा आज मुक्कू ने बस पूरी पूरी फेल रही है। चलो भाई वो भी आसान करा, बहुत बढ़िया झाड़ू पोछा कर दिया आज। मेरी माँ भी पूरे लपेट रही है खींच के, पापा गए। लो भाई, तो सुबह के बाद अब शाम को फोन उठाया, खाना वाना खा के लंच वगैरह करके भाई आज थक गई थी, सारा काम खुद से ही किया था, मतलब गुलाल वगैरह जो है वो लगा लिया, सिंपलिसिटी के साथ जो है वो अपने त्योहार जो है वो मनाया है। दीदी आई तो एक दो
वीडियो वगैरह बना ली, बाकी तो और कुछ नहीं था भाई। वो भी मेरी शादी के बाद ये लगा लो, 21 साल मेरी शादी को हो गए, 25 साल उनकी शादी को हो गए। उसके बाद पहली बार होली पे घर आई थी तो उनको बड़ा वो रहता था कि मैं अपने भाई भाभी को कलर लगाऊँ, तो आई थी तो कलर लगा लिया। और देखो सोन का तो वैसे भी त्यौहार है, थोड़ा बहुत ज़रूर लगा लेना चाहिए भाई अपने घर पे घर वालों के साथ में। और अपने जैसे कि देख लिया होगा भाई व्लॉग में, सिर्फ हम ही लोग थे घर में ही, ना कहीं गए हैं ना कहीं आए हैं। फेस से भी लग रहा होगा सो के उठी भाई, बिल्कुल दिन में रेस्ट किया, कोई कहीं आना जाना नहीं है। विनोद जी भी यहीं पर, वो ऊपर छत में, अपने माँ जी भी छत पर चली गई, बच्चे भी, मैं अपना काम कर रही थी, चाय पानी पी लिया, तो वो ऊपर पौधे में पानी वानी दे रहे हैं। तो घर पे रहे, घर पे अपनी होली जो है वो बताया आप लोगों को सिंपलिसिटी के साथ जो है वो सेलिब्रेट की। कल होली पूजन वगैरह किया और कल शाम को खाने में क्या बनाया, सुबह क्या बना लंच में, और यही सब किया भाई घर पे, जो भी आप लोगों को दिखाया। और गुजिया भी कल खाई भाई, क्योंकि इस बार सिर्फ देवी दे आए नहीं और वो नहीं हुआ, तो गुजिया भी हम भी नहीं लेके आए भाई, सच बताऊँ तो मीठे के उससे। लेकिन कल उषा दी आई तो वो गुजिया वगैरह लेके आई, तो गुजिया खाई भाई। और बस यही था भाई हमारा त्यौहार। तो आप लोगों को होली का व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना, जैसा भी था जो भी है जो है आप लोगों के सामने है, जिस तरह से सेलिब्रेट किया है हमने अपने घर पे। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बता देना भाई। तो इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी और मैं मिलूँगी फिर से आपसे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय एंड गुड बाय एंड राम राम जी।